बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान, मैं हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से ये बार बार खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई डील हो गई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगला वज़ीर आज़म आ रहा है पाकिस्तान का। आज के प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रूट्स सिंध में तो काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन पाकिस्तान के दीगर सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। लेकिन हालिया चंद महीनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। वो इस तरह के, एक तो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और साबिक वफाकी वज़ीर जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल की, बलूचिस्तान से बड़े नाम थे। और पंजाब से भी हम देख रहे हैं कि अब चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी बैक टू बैक जलसे कर रहे हैं जनूबी पंजाब में, और जनूबी पंजाब से बड़े नाम, बड़े सियासी नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या यह मुमकिन है कि इन सब नामों के आने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी मजबूत हो जाए कि आइंदा इंतखाबात में अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो। आज के प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने काफ़ी तनकीद की अपोजिशन की दीगर जमातों में, उसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके लिए खसूसी तौर पर टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन किया डॉक्टर नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब ने, साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान के। नवाब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी मेहरबानी आपकी। नवाब साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्लाह का फजल, आप ठीक ठाक हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नवाब साहब, सबसे पहले तो आप चूंकि बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं, वैसे तो आप पूरे मुल्क की सियासत को बड़ा कीनली देखते हैं, लेकिन बिलखसूस बलूचिस्तान की सियासत में आपका हमेशा बड़ा इंटरेस्ट रहा है। नवाब साहब, ये सनाउल्लाह ज़हरी साहब और जनरल कादिर बलोच साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आने से कितनी मजबूत हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में? देखिए, इतनी ही मजबूत जितनी पहले नूर लीग थी जी, इनकी मौजूदगी में, ठीक है ना जनाब? पाकिस्तान की सियासत के एक अजीब एक तरीका है जी, तो उसमें उनके पीपल्स पार्टी में नवाब साहब के आने से कम अज़ कम ये हुआ कि एक सीट उनकी जाती जो है वो तो यकीनन है ही है, तो पीपल्स पार्टी को उसमें जगह मिल जाएगी पाकिस्तान की असेंबली में, ठीक है जनाब? उसके बाद उनके साथ उनके दोस्त और उनके कबीले के जनरल कादिर साहब भी, उनकी भी क्या कहते हैं उसको, इलेक्टेबिलिटी इतनी ज्यादा मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन बहरहाल अगर किसी रो में मामला चलते हैं और उनको वो भी आ जाते हैं तो ठीक। फिर कुछ, क्योंकि पीपल्स पार्टी का कुछ असर रसूख है हमारे बलूचिस्तान में, खासतौर पर बॉर्डरिंग एरिया जो है आपका, क्या कहें उसको, जो अब सिंध के साथ है, जैकबाद के साथ है, इधर भी जी जी। तो बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी को कम अज कम कुछ था, लेकिन बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक कभी भी नहीं रहा, एक दूसरे की टांग खींचते के चक्करों में रहते हैं हमेशा, ठीक है। अच्छा अच्छा, नवाब असलम रईसानी साहब की क्या पोजीशन है आजकल? जी वो तो आजाद है जी, वो तो पार्टी छोड़ चुके हुए जी, वो उनकी अपनी नहीं, तो उनकी 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 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापसी के कोई इम्कान है? देखिए, यकीनन कभी भी हो सकता है, मैं स्कूल में नहीं, आप आप ये सियासत सियासत तो एक तरफ, आपके तो बड़े जिगरी दोस्त हैं वो, आप उनको समझते हैं, उनकी की वापसी के इम्कान है? मैं समझता हूँ कि वो नहीं, पीपल्स पार्टी में दोबारा नहीं आएंगे। अच्छा, नहीं आएंगे, क्या वजह है? यकीन जी, वजह कोई भी नहीं है जी, बस वो रहे और उन्होंने पीपल्स पार्टी को देख लिया, उसके बाद पीपल्स पार्टी और उनका जिस जमाने में चीफ मिनिस्टर थे भी, तब भी उनका पीपल्स पार्टी के साथ कोई इतना ज्यादा क्या कहे वो नहीं मिलता था, फैब्रिक नहीं मिलता था। और उनके वालिद साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे, वो मिनिस्टर रहे, ठीक है जनाब? नवाब मोहम्मद खान जी, ठीक है। आप सब जिस तरह आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब और जनरल कादिर बलोच साहब के आने से एक सीट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेफ हो रही है बलूचिस्तान से, लेकिन एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में तो ये इम्पैक्ट दिया जा रहा है कि इन दोनों के आने से बलूचिस्तान काफ़ी सेफ हो गया पीपल्स पार्टी के लिए, और अब अगर पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़े से नंबर्स ले लेती है तो वफाकी हुकूमत बनाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आसान होगा, क्योंकि सिंध में उनके पास ऑलरेडी अच्छे नंबर्स मौजूद हैं। तो ऐसे में बलूचिस्तान में इतना कोई बेहतर माहौल तो नहीं नज़र आ रहा जिस तरह आप बता रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए? मैं आपसे अर्ज करूं कि पीपल्स पार्टी मेरे वालिद की पार्टी है जी, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूं, मैं इनसाइडर हूं, आप सब कम अज कम ये समझिए, बिल्कुल सही, आपकी बात सही है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में बदकिस्मती वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है ना कि कोई सिलेक्ट करता है, अब सिलेक्टर का नाम इन लोगों ने इतना आम कर दिया कि अगर तो सिलेक्शन होनी है और कोई झुरलू फिरना है और पीपल्स पार्टी को इतनी ज्यादा वो देनी, स्पेस देनी है, मैं बतौर ऑब्जर्वर भी और इस पार्टी को जानती हुई मैं कहता हूँ कि कुछ सीटें अगर आ जाती है तो और बात है, लेकिन वरना ये कि क्लीन स्वीप क्या कि मेजोरिटी पार्टी तो क्या अपनी जगह पे इतना बड़ा चंक भी नहीं आएगा। अच्छा, अगर चंक जी बिल्कुल इतना बड़ा चंक नहीं आएगा, दो चार पांच सीटें शायद
अगर कोई इतनी ज्यादा वो है, लोग उम्मीद है नवाब सनाउल्लाह के आने से, तो दो, दो, दो से तीन, तीन से चार मैं कह सकता हूँ, इससे ऊपर कभी भी नहीं जाएगी। बिल्कुल अच्छा ठीक हो गया। अभी हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दौरे पंजाब को भी देखते हैं, जनूबी पंजाब को, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बलूचिस्तान के हवाले से और बात करें। नवाब साहब, अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है उसका बलूचिस्तान पर बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट है, तो क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ी आबादी पश्तूनस की है और आप भी चूँकि पश्तूनस के सबसे बड़े कबीले को हेड कर रहे हैं, आप इस सारी चेंज को कैसे देख रहे हैं? अच्छी है जी, खुशगवार चीज है। मैं अभी कुछ दोस्तों के साथ आ रहा था, मेरे दोस्त है वो अपने कबीले के भी है, उनके दो भाई वगैरह कंधार गए हुए मेरे कबीले के लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे भी हालत बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही पुरसकून है और यहाँ पे भी ऐसे हालात इतने बुरे नहीं है। ठीक है जी, वो कश्मीर जो होती थी, जो पहले लोग जाते थे अशरफ गनी की हुकूमत में, बहुत ही तंग करते थे लोगों को। अब तालिबान जो है ना, मैंने पहले भी शायद एक प्रोग्राम में आपसे ही कहा था कि वो भी इनमें भी विजम आ गया, टाइम इन अगेन उन्होंने किया है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गई उनकी, तो वहाँ पे पुरसकून है और उसका इम्पैक्ट भी आप देख रहे हैं कि इतने बुरे हालात पाकिस्तान में भी या बलूचिस्तान जो सराउंडिंग वो है, तो क्या कहते हैं प्रोविंस है, यहाँ पे भी हालात इतने बुरे नहीं है। ठीक हो गया, इसका मतलब है कि कोई बुरे हालात नहीं है, सब अच्छे की रिपोर्ट है। दूसरा नवाब साहब बताइएगा कि हमने देखा कि चंद रोज चंद हफ्ते कबल नवाब शाह ज़ैन बुगती साहब को एक अहम मिशन दिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान के हवाले से, तो आप यहाँ पर बैठे हुए क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें कोई पेशरफ्त हुई है? मैं आपसे अर्ज करूँ खान, हम इस्लामाबाद में थे, आपके साथ भी हमारी गपशप हुई, मैंने भी कहा था कि नवाबजादा शाह ज़ैन का ऐसे कोई फायदा नहीं होना सिवाय इसके उनके कजन है वो जो बाहर बैठे हुए हैं, बरामदा मुफ्ती साहब और बाकी कुछ और अजीज है उनके, तो एक लेवल आ चुका है जी, एग्जॉशन भी आ गई है, तो वो चाहेंगे कि हालात ठीक हो या ना हो, हम आ जाए और हमको कोई तकलीफ ना हो, तो इतना इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा जितना जो है ना बलूचिस्तान की सियासी पार्टियां अगर सही तरीके से खेलेंगे। बहरहाल गिलगित के हालात भी ठीक नहीं है वहां पे, अफगानिस्तान नहीं, तो आपकी इतलात में है कोई कि नवाब शाह ज़ैन, नवाबजादा शाह ज़ैन बुगती ने कोई जो नाराज लोग हैं उनसे कोई राबते किए इस हवाले से? मैं आपसे बताऊं कि इनकी नवाबजादा को जब इन्होंने अपना वो बना एडवाइजर बनाया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उससे महीनों पहले मुझे पता था कि वो लोग आना चाहते हैं, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। अच्छा ठीक है ना जी, तो अल्लाह करे कि कोई तो रास्ता फिर ये नवाबजादा साहब को प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइजर बनाया या नवाबजादा साहब एडवाइजर बन गए, खुद बने अपनी ख्वाहिश पे उन लोगों को लाने के लिए? जी तो ये तो इमरान खान की इंसाइट की बात है ना जी। अच्छा, उन्होंने किसी और से पूछा नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है क्योंकि ये भी नवाबजादा साहब उसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं और वो करने के, तो उन्होंने पाकिस्तान के किसी एक्सपर्ट से नहीं बात की क्योंकि हम नेबरिंग ट्राइब एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे बहुत अरसा पहले मुझे पता था कि अब ये है कि वहाँ वो लोग वहाँ से आना चाहते हैं, बराबर में अफगानिस्तान में उनको सपोर्ट इतनी ज्यादा अब नहीं है, वहाँ पे जो लोग गए हुए मुझे पता है कि वो लोग वहाँ पे घेरे में भी है जो बहुत से इलाकों में, इस वजह से उनका यहाँ आना बनता है अब, लेकिन स्टेट को सोचना होगा कि क्या करे, क्योंकि पहले भी नवाब मरी को जब ये लोग वापस लेके आए तो उन्होंने मरियों को कोयटा में वो कर दिया, क्या कहते हैं, आबाद कर दिया, जबकि उन्होंने उनको उनके अपने इलाके में आबाद करना था, उसकी वजह से आज जो कोयटा में गड़बड़ का सिलसिला होता है तो तालिबान वहाँ है, उनको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सन्स ऑफ सॉयल है, आते हैं और खिदमत करते हैं अपने आवाम की भी और सूबे की भी और मुल्क की भी, तो ठीक है, लेकिन मुझे पता था कि एग्जॉशन की वजह से अब ये मामला आसान हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा नवाब साहब थोड़ा सा पंजाब को भी डिस्कस कर लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बैक टू बैक जलसे कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में दौरे भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कुछ अहम लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन भी किया, आपके ख्याल में इन लोगों के आने से एक तो ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में वोट बैंक कितना है, उस सबको अगर सामने रखते हुए आपका एनालिसिस क्या है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में क्यों अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर लेगी कि वफाक में उसके लिए रास्ते आसान हो जाए? आप देख लीजिए हैदर खान, मैं आपसे बताऊं कि 1970 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से ही सबसे बड़ी पार्टी थी, ठीक है ना जनाब जी, जिनमें कुछ थे और बाकी दो सूबों में नहीं था कुछ, तो उस वक्त ये हुकूमत में आई, हुकूमत में आने के बाद दोबारा भी
क्यों इतने बुरे हालात में आ गई, अभी तक पंजाब में इसका नाम लेने वाले हैं। यकीन गरीब लोग भुट्टो के प्रोग्राम को मानते हैं, भुट्टो अभी भी लोगों के दिलों में है, अगर इसको देख के कहे तो ठीक है, वरना तो पंजाब से पीपल्स पार्टी का बिल्कुल ही वो नहीं है, क्या कहते बेस खत्म हो चुका हुआ था। और फिर जो इलेक्टेबल से या पार्टी लीडर से इन्होंने टाइम एंड अगेन पार्टियां बदली हैं, फिर फारसी में कहते हैं कि आजमुदारा आजमुदन चहलस, अब अगर आजमाए हुए लोग दोबारा आते हैं आजमाने के लिए तो ये कभी भी काम कामयाब नहीं होगा सिलसिला। लेकिन अगर अच्छे काम के साथ आते हैं, अच्छे प्रोग्राम के साथ आते हैं और कोई सिस्टम बनता है फिर तो ठीक है। लेकिन जो सियासत हमारी इस वक्त चल रही है ये अजीब किस्म की सियासत है, इसमें कोई प्रिडिक्ट करना कोई मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी इधर उठ सकती है अगर तो सही तरीके से काम हो। ठीक है, अच्छा आप सब अब थोड़ा सा आखिर में पीडीएम को डिस्कस कर लें। आपके ख्याल में पीडीएम अब मौजूदा सिनेरियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर एक मजबूत अपोजिशन अलायंस है, क्या हुकूमत को कोई खतरा है पीडीएम से? और दूसरा आप क्या समझते हैं कि मौजूदा पीडीएम लीडरशिप के अंडर जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मरीम नवाज शरीफ साहबा का जो ग्रुप है वो बड़ा प्रोमिनेंट है, उसके होते हुए इन दो सियासी जमातों की पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की पीडीएम में वापसी के कोई इम्कान हैं? देखिए जी, मेरे ख्याल में तो पीपल्स पार्टी और एएनपी का मुश्किल है इनके साथ दोबारा आना, और फिर पीडीएम इकट्ठा है कि उन लोगों का जो कि हारे हुए हैं उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पावर जो उसकी मियां साहब की थी। मैंने 2013 में मियां साहब से कहा था कि पंजाब से आपका ताल्लुक है, आप पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त मुल्क बना सकते हैं, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब भी सिर्फ और सिर्फ वो जो है ना अपना जो नैरेटिव लेके चले थे उससे भी एक तरफ हो गया, अब खानदान के अंदर रिफ्ट है और बाकी पार्टियां भी जो है मैं आपको बताऊं कि इनके दिल साफ नहीं है, वरना प्योर पॉलिटिकल क्या कहते हैं प्रोसेसेस के जरिए बड़े आराम से इससे जान छुड़ा सकते थे। आ जाते ना नो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं की करते ना, अपोजिशन में थे उसने अपना भुट्टो साहब के बेटे क्या कहते हैं पार्टी के बिलावल ने कहा कि आ जाइए ऐसे करते हैं, वो क्यों नहीं करते जी, तो प्योर पॉलिटिक्स नहीं हो रही है ये सारी की सारी, वो क्या कहते हैं एनआरओ टाइप की कोई पॉलिटिक्स हो रही है। अच्छा, मियां शहबाज से कुछ करते हैं, बीबी मरियम तो पता नहीं क्या कहना चाहती है, ठीक है समझ में नहीं आता। अब पंजाब के लोगों को सोचना होगा क्योंकि वो 12 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, बड़ा सूबा है सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से, कि वो सियासत को ठीक करे, इस गंदगी से निकाले मुल्क को, भले तो जिसको भी लाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीडीएम कामयाब होगी किसी भी सूरत में, सिवाय अगर कोई एनआरओ मिलता है फिर तो ठीक है। बिल्कुल ठीक होगा नवाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय दिया, जज़ाकअल्लाह। नाज़िम डॉक्टर नवाब बॉस बख्शवारोजी साहब की अपनी गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर रियाज खान और ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।